हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और एक नए दिन की शुरुआत के साथ मैं आप लोगों का एक नई वीडियो में स्वागत है। ये सुबह सुबह भैया आए हुए वाईफाई सेटअप के लिए, और कोई भी अपने घर पे वाईफाई सेटअप करने आता है या कोई किसी भी काम से आए, हमारे घर पे तो कोई भी आए उसको चाय पिलाना बहुत ही कंपलसरी होता है। तो मैं बनाने में लगी हुई थी इन दोनों के लिए चाय, और सुमित जी अभी सो रहे थे तो उनको जगाया नहीं, क्योंकि अपना काम करके अपने आप चले जाते हैं। इतने में एक पार्सल आ गया, तो अमेजोन से पार्सल आते सुमित जी को जगना पड़ा, और फिर मैंने बनाया ब्रेकफास्ट सुमित जी के लिए और साथ में चाय बॉईल कर दिया। इसी के साथ साथ मैं दोपहर का खाना तैयार करने लगी। ये सांप आप लोग देखिए, आसपास में जंगल होने की वजह से क्या होता है, सांप आ जाता है। और फिर हम लोग तैयार होकर के दोपहर को अपने काम के लिए बाहर निकल गए, क्योंकि संडे को हमारा रहता है ऑफ। इस वजह से हम लोग ग्रोसरी से लेकर के सैलून हर काम हमारा संडे को ही होता है। तो संडे के दोपहर को हम लोगों ने पूरे महीने का काम मैनेज करने में लगे थे, क्योंकि ये होता है कि इतना सामान वगैरह लेने में और थकान भी बहुत आ जाती है। तो फिर हम दोनों ऐसे ही गॉसिप करते हुए और अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था। यदि वेदर की बात करें तो आज धूप अच्छी निकली हुई थी, जिसकी वजह से कि मैंने कपड़े सुबह धो के सुखाए थे वो बिल्कुल सूख चुके थे। अब वापस आकर के प्रेस वगैरह करना है। और पूरा दिन घूमने के बाद मैं शाम को थकान आ गई, तो खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा। इसीलिए सुमित जी ने दिया मेरे को खतरनाक वाला सरप्राइज़, और वो मेरे को खाना खिलाने के लिए ले आए बाहर। और बाहर भी कहाँ पे, समिट में। समिट एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, इसका जो भी अपने कह सकते हैं इंटीरियर वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और खाने की क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा अच्छी है। हम लोगों ने इससे पहले इसका एक बार दार्जिलिंग ट्राई किया था, उससे पहले भी एक दो बार इसका ट्राई कर रखा है, बट अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अभी 2-3 मिनट हम लोग लगे थे बात करने में। और यहाँ पे जो इनका स्टाफ था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। खाना खाने के बाद में हम लोग आ गए थे इधर बाहर पूल साइड पे, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा वॉक भी तो करना पड़ेगा, जा कर के सीधा तो नहीं घर पे जा सकते ना, तो हम लोग लग गए थे वॉक करने के। हम लोग लास्ट कितने 4-5 संडे हो गए तब से ऐसे सोच रहे हैं कि हाँ आज हम लोग पूल में जाके आएंगे, बट वही है ना, नहीं मिल पाता है टाइम। दिन में वही है, काम करने में निकल जाता है, पर फिर शाम को पूल पे आके करेंगे। लेट्स सी, पता नहीं कब ये, जैसा राजस्थानी में कहते हैं ना कि पतो को नहीं ठा को नहीं कद मुहूर्त गड्ढा को ठाण को, देखते हैं होपफुली जल्दी आएंगे। आज के खानों की अलग था।
बढ़िया लगा, पसंद आया वो टेस्ट? दार्जिलिंग में खाया नहीं, दार्जिलिंग में खाया पिज़्ज़ा टेस्ट है, मतलब बढ़िया टेस्ट है, यहां बनी टेस्ट में भी अंतर है की तो खाना में जगह मसाला यूज हो बढ़िया नहीं। हां कई कई हम खानो वाकई मच्छो है, बट टिंकनो पड़ा हुआ के मच्छो लगा। और बताओ अब क्या करोगा, दिन भर तो थे वो सोएडा बाप डूब रहा, तो मन कौन कर रात में जान को मेरे। आज को दिन थारो क्या रहे हो? बढ़िया है एकदम। क्या करो सारे दिन? नींद ली एकदम। दिन भर नींद लेके रात में घूमन निकले हो? हां ना दिन में नींद कत लिया उतर बाद में तो यहां पे ना आज सुबह सुबह जाके मैं लोइए की सब्जी खोई बा ज्यादा अच्छी या फिर सिंगल ही ला खानो? देख बाप की जगह है वो घर वो खानो हो होटल हो खानो ज्यादा बढ़िया किस को? देखो होटल वाला देख, थाने के पूछो आज कि सर खाने में आपके मेरी बात सुनो, होटल वालों के नहीं होटल वालों आप भी जाने होटल में जहां खाना खावा नहीं जगह जगह खावा जे आप केसरी हम खायो खानो केसरी वो खानो बढ़िया हो फिर बैठे दार्जिलिंग में जब कभी आप गया जाता तो वो भी खानो बढ़िया हो तो भी क्यों सेम ही तो है जब आंगो आंगो जके दोनों ही सबमिट करते हैं तो दोनों 100 खाना है आंगो आंगो खाना बढ़िया हो मतलब चुनिंदा होटल के लिए रेस्टोरेंट है तो हम क्या कि खाना बढ़िया हो बस। अब क्या करांगा चलना है घर तो इन्ना कोनी अभी किन्ने जान लग रहा हां किसी वो कह की गाड़ी में बैठ के होने लग रही है गाड़ी में देखो नहीं होगी मतलब गाड़ी के अंदर डेंट मार रखे मन लग रहे हैं तो मैं पकड़ रखा अन को जान करके तो मारियो को नहीं भगो पर पीछे वाला ये ये देख लाइटिंग सी हो रोड के ऊपर कितनी सोनी लगे नहीं किटकिया चीज का कोई ब्याह भी लगे मन तो कर लियो बात में जी तकड़े पलकारो पड़े हां तकड़े पलकारो पड़े हेलो आ तो मला सड़क पर ही ब्याह बन रहे कोई नहीं नहीं ओहो तकड़ी तैयार हो रही है गगरिया पैर पैर के हां दुल्लो अपनी आड़ में तर बाप बैठे की शादियां वो सीन याद है के जो बैठे दुल्हो पर यानी बनियान पे रे घूमो बागडोग रहे की किलोमीटर है पास में जो बाल तीन तीन रेड क्या लगे हैं की फर्क लगे तो थैंक यू लुक चेंज हो है सेवा करोड़ जाए क्या करें ऑटो चलना नहीं करें ना घरे चलांगा अब से तो सेवा करोड़ अब क्या करांगा रात में तो शाम ने रोटी राटी खा के बिंग बाद में बाग डोगरा घूम गए फिर अभी घरे जाने को प्लान बना लिया पहले मैं आज इनमें कई दिनों बाद में सूट पहने हैं और साग साग आज वो पलंग क्रिंटिंग बिक्री भाई मैं खुद करी जाको मेरे बाला के अंदर नहीं छोटा छोटा क्रल सा बन गया मेरा घर पे आना और इसका बू बू करना सभी को पता लग जाता है कि आज मैं फिर से लेट आई हूँ घर पे और किसी दिन मैं इससे परेशान होकर इसको बोरी में डालकर राजस्थान पहुंचा दूंगी और बंक आधे मोहल्ले में नहीं पता लगा कि हाँ भाई मैं लेट आई हूँ तब तूने क्या नाम कमाया।